तो कल संसद में राहुल गांधी की जो स्पीच थी उसको लेकर उनके ऊपर अब कटाक्ष करने शुरू कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव से भी सवाल किया गया है इस पर, उन्होंने सिर्फ ये ही कहा है अभी सब मुद्दे वैसे ही हैं जैसे पहले थे, हर मुद्दों पर बात होगी। जब बोलूं तो आप सुनिएगा। सर, राहुल गांधी के देखिए, कब्जे के बयान वो को इश्यूज खत्म नहीं हुए। अग्निवीर एज इट इज है, ओपीएस अभी एज इट इज है, किसान अभी भी एज इट इज है। तो सरकार नई जरूर है लेकिन सब कुछ पुराना है। सब बीजेपी राहुल गांधी के बयान को हिंदू वर्सेस राहुल गांधी बना रही है, इसको लेकर ये क्या कोई नहीं, कहेंगे? ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। उधर राहुल गांधी के इस बयान पर अमित शाह से लेकर किरेन रिजिजू, गिरिराज सिंह, रामदास आठवले समेत बीजेपी के साथ साथ पूरी केंद्र सरकार ने राहुल पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया और उनसे माफी की मांग की। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? हिंसा करते हैं, हिंसा की भावना को, हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। आज से नहीं, शुरू से हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अभी अभी अमेठी में इन्होंने हिंदुओं ने वोट दिया, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। सभी हिंदू समाज को हिंसक बोलना ठीक नहीं है, और अगर हिंदू समाज हिंसक है तो राहुल गांधी जी की ग्रैंड मदर आदरणीय इंदिरा जी गांधी वो भी हिंदू थी, यहाँ उनके पिताजी राजीव गांधी वो भी हिंदू थे, सोनिया गांधी भी यहाँ आने के बाद वो भी हिंदू बन गई है, और राहुल गांधी भी हिंदू है, तो क्या राहुल गांधी भी मतलब हिंसक है क्या?